ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है मैं पन का त्याग। कहते हैं एक घर का मुखिया था, उसको अभिमान था किस बात का कि मेरे बिना मेरा घर नहीं चल सकता, मेरा परिवार चल नहीं सकता, क्योंकि परिवार में वो एक ही कमाने वाला व्यक्ति था, छोटी सी दुकान थी, उस आधार पर घर चलता था, तो उसको बहुत अपना अभिमान आ गया था। एक बार उनके गांव में एक संत आए, संत का प्रवचन सुनने के लिए मुखिया गए थे, तो संत अपने प्रवचन में कह रहे थे कि संसार में कोई के बिना भी काम चल सकता है, किसी के बिना संसार अटकता नहीं है, किसी के बिना कोई काम अटकता नहीं है, सदैव ये याद रखें। जब मुखिया ने ये बात सुनी तो प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने संत को जाकर के कहा कि आपने जो ये बात बताई, परंतु मेरा घर, मेरा परिवार मेरे बिना तो चल ही नहीं सकता, मैं कमाता हूँ तभी वो चलता है। संत ने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसी बात नहीं है। तो मुखिया ने कहा नहीं, मैं सच कहता हूँ, नहीं तो आप मुझे प्रूफ दिखाओ। संत ने कहा ठीक है, मैं आपको प्रत्यक्ष में ये अनुभव करा सकता हूँ। आप चुपचाप अपने घर में किसी को बताए बिना एक मास गुम हो जाओ, बाहर चले जाओ। मुखिया ने कहा ठीक है, तो वो अपने घर से चुपचाप बाहर निकल गया। इस बीच संत ने उनके घर में ये बात फैला दी, गांव में ये बात फैला दी कि मुखिया को बाघ ने जंगल में खा लिया, अभी वो मर गया है नहीं। जब उनके घर वालों को ये बात पता चली तो कुछ दिन तो उन्होंने शोक मनाया, धीरे धीरे वो नॉर्मल होते गए। गांव के किसी व्यक्ति ने उनकी बेटी जो बड़ी थी उनकी शादी कराने में मदद की, किसी ने उनके बेटे को नौकरी दिला दी, किसी ने उनको घर चलाने के लिए थोड़ा सहयोग देना शुरू किया, आराम से उनका परिवार सुखी रूप में चलता रहा। जब एक मास पूरा हुआ तो मुखिया चुपचाप अपने घर लौटा। जैसे ही वो घर में दरवाजा खटखटाया और लोगों ने देखा तो परिवार ने कहा अरे ये तो भूत आया है, भूत आया है, दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। मुखिया ने कहा मैं खुद आया हूँ, मैं भूत नहीं हूँ। परंतु परिवार ने कहा अब हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम बहुत सुखी हैं। अब मुखिया का जो अभिमान है वो चूर चूर हो गया। अब उसे महसूस हुआ कि संसार में किसी के बिना कोई काम अटकता नहीं है, ये संत ने बराबर कहा। हमें भी कहानी से ये बोध मिलता है कि किसी भी प्रकार का हम ऐसा अभिमान न रखें। संसार को चलाने की हामी भरने वाले बड़े बड़े सम्राट भी मिट्टी में मिल गए। ये संसार अनादि अविनाशी है। इस संसार में हम मनुष्य आत्माएं एक्टर के रूप में पार्ट प्ले करती हैं। हाँ ये जरूर है कि जो ये शरीर आत्मा ने लिया है, पांच तत्वों का पुतला, वो नश्वर है, वो विनाश होता है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वो तो अजर अमर अनादि अविनाशी, वो अपना पार्ट एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करके चलती रहती है। तो हमारा काम है सबसे प्रेम करें, सबको प्यार करें, सबको सहयोग दें, सबके लिए शुभ भावना रखें और आपस में मिलकर के चलें। ओम शांति।